भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। गांजे के विरुद्ध राजौर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खेत में उगाए गए 10 लाख रुपए के गांजे के पौधे जब्त कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। धार जिले के राजौर थाना पुलिस ने गांजे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए खेत में मक्का व अदरक के बीच लगा रखे करीब 10 लाख रुपए के गांजे के पौधे जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। धार SP मनोज कुमार सिंह के निर्देशन पर मध्य पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत बाकलवार मार्गदर्शन में राजौर थाना पुलिस की टीम द्वारा शनिवार को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम हनुमंत्या साजोद में आरोपी छगन पिता भागीरथ निवासी गुंदीखेड़ा ठाकुर के खेत में दबिश देकर गांजे के पौधे बरामद किए गए। थाना प्रभारी हीरो सिंह रावत ने बताया कि खेत में लगी मक्का व अदरक की फसल के बीच में गांजे के पौधे उगाए गए थे। यहां से गांजे के कुल 160 नग हरे पौधे, कुल वजन 210 किलोग्राम एवं कीमत करीब 10 लाख रुपए के जब्त कर आरोपी छगन के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है। कार्रवाई में उप निरीक्षक विक्रम सिंह देवड़ा, सहायक उप निरीक्षक PS मोड़, रमेश चंद्र भाबर, आरक्षक मोहित सेन, रोहित नागर, महेंद्र सिंह वसुनिया, रितेंद्र राजवाद, हीना खराड़ी, सैनिक प्रकाश बैरागी का योगदान रहा है। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश के चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।